तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल। अब यहाँ पर इतना गाइज, आज मैं खेल रहा हूँ BGMI। और गाइज आज का गेम प्ले बहुत ही ऑसम होने वाला है, तो एंड तक इतना। और कहा गाइज आज की गेम प्ले भाई, तुम्हारे भाई ने क्या ही एम के से बंदों को पहले, बस एंड तक देखना। और हाँ गाइज, ये गेम मैं खेल रहा हूँ अपने Realme 6 जो कि यार 664 है। तो गाइज गेम प्ले एंड तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा भाई, पर्सनली बोल रहा हूँ। और भाई एक और चीज़ आपको बता दूँ, हो सकता है आज के बाद शायद से आपको हमारे चैनल पर BGMI के गेम प्ले देखने को मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है पबजी लाइट के भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल देखो, मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन भाई आगे जाके आपको बता दूंगा। फिलहाल देखो, पर मैं कुत्ता सवरनी, और गाइज सवरने में आ चुके थे दो बंदे, मतलब डो आ चुका था। और बस देखो डो की क्या ही कुटाई करता हूँ मैं। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं कूदा, सामने एक बंदा दिखाई देता है, तो भाई गन की तलाश में यहाँ पर मैं घुसता हूँ। यहाँ पर मेरे मेरे को DBS, और भाई बंदे को देखो क्या ही भुरता बनाता हूँ मैं। अब इन भाई साहब को मैंने नॉक करके सीधा फिनिश कर दिया, लेकिन भाई इसका एक और टीममेट था जो क्या बिल्कुल मेरे बाजू में था। अब मेरे को उसके हल्के से फुसते पाते, तो यहाँ से मैंने फटाफट से गोलियाँ उठाई और मैं निकलता हूँ कवर में। और गाइज इस बंदे में कुछ ज़्यादा चिलती, ये बंदा क्या करता है, थोड़ी सी लूट वगैरह करता है, और भाई इसने कर दिया मेरे ऊपर पुश। फिलहाल देखो इसको कैसे भरते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले मेरे को उसको पुछते पाते हैं। अब इतना तो कन्फर्म था भाई, ये बंदा मेरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर घुस जाऊँ। तो सीधा मैं घुस गया, और यहाँ से बंदा मेरे को स्पॉट होता है लेफ्ट वाली साइड, और बस इस बंदे को देखो क्या ही बजाता हूँ मैं। अब इसी के साथ सवरनी पूरा का पूरा खाली हो जाता है। सवरनी में इन बंदों के अलावा कोई और बंदा उतरा नहीं था। फिलहाल देखो इसकी पेटी वगैरह लूटी, अब मैं ऐसे जाने की तगार पे था। अब जैसे थोड़ा जाने की तगार था भाई, ये हमारा चाचा का लौटा BGMI में मिल जाता है। फिलहाल देखो इसको मैंने नॉक कर दिया, और भाई इसको मैंने बजा दिया पिस्टल से। अब यहाँ से उठाई मैंने गाड़ी और सीधा गया स्कूल वाली बाजू, लेकिन भाई तभी देखो पीछे से एक बंदा, मतलब भाई कतई सलमान भाई बन रहा है। अब इसने मेरे को डैमेज करा, मैंने भी उसको डैमेज करा। अब यहाँ पर मैं थोड़ी देर TPP लेता हूँ, और भाई यहाँ पर जैसे मैं TPP ले रहा था, तब मेरे को एक चीज़ पता चलती है कि जो बंदा भी मेरे सामने से भगता हुआ गया भाई, इसकी पेट यहाँ पर बन जाती है। अब जैसे ये चीज़ मेरे को पता चली भाई, यहाँ पर मैं एक सेकंड भी वेट नहीं करता, सीधा मैं ऐसे घुस जाता हूँ टेरिस के ऊपर। अब यहाँ पर एक तो सब कुछ क्लियर हो रखा था, और यहाँ पर एक बंदा था जो कि सामने से पता, यहाँ पर देखो। अब यहाँ से इसको मैंने डैमेज देके पीछे भगा दिया, और मैंने इसके ऊपर पुश कर दिया, लेकिन भाई तभी देखो बाहर से कुछ मेरे को पुछते पाते। अब जैसे मेरे को बाहर से पुछते पाए भाई, ये चाचा जी का लौंडा मेरे को अगेन दिखता है। अब इसको मैंने नॉक करके सीधा फिनिश कर दिया। अब बात थी सामने वाले बंदे की, अब ये बंदा ना भाई इतना ज़्यादा हराम था, इसने यहाँ पर इतने सारे बंदों को मार रखा था, आपको क्या ही बताओ। फिलहाल तो कोई वहाँ से पीक देता है, तो फिर थोड़ा सा हल्का वेट करता हूँ। और भाई इस बंदे को जो मारा है ना, उस वाले चीज़ के लिए वीडियो पर लाइक करना तो बनता है। अब यहाँ पर एकदम बहुत देर तक वेट करता हूँ भाई के पीक देने का, और एट देन भाई साहब पीक दे यहाँ पर दे देते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा हक देता हूँ, लेकिन भाई ये बंदा देखो, ये बंदा अभी भी उस वाली साइड देख रहा है, तभी भाई मैंने यहाँ पर देखो दूसरे बाजू से इस भाई साहब का भुरता भर दिया। तो अगर आपको ये वाली चीज़ अच्छी लगी हुई तो वीडियो पर लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और भाई यहाँ पर देखो इस बंदे ने कितने सारे बंदूक पर पेल रखा है। सबसे पहले बाहर एक पेटी पड़ी थी, अब जैसे घर के अंदर जाऊँगा ना भाई, यहाँ पर देखो इसने कितने सारे बंदों को मार रखा है। तो फिलहाल देखो यहाँ पर मैंने इसकी पेटी वगैरह लूट ली, अब बात थी यहाँ से निकलने की, अब बाहर थे यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन भाई यहाँ से मैं तो सीधा रुजॉक, और भाई रुजॉक की पहाड़े पे क्या ही तगड़ी फाइट चल रही थी। अब जैसे यहाँ पर आता हूँ भाई, ये बॉट आ जाता है, इसको मैंने पेल दिया। अब मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पर थोड़ा सा हील वगैरह करता हूँ, और मैं पीछे जाता हूँ। और भाई पीछे से तुम्हारे भाई ने उठा ली थी MK, और बस भाई यहाँ पर MK14 की तबाही देखो। अब यहाँ से मैंने MK उठा कर आया था, जैसे कि आपको मैंने बताया भाई पहाड़ी के ऊपर कुछ बंदे आपस में लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं तो बंदों को स्पॉट करने के लिए। और भाई आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज़ सुनाई दे रही है, तो उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ मैं बंदों को ढूंढने के लिए, तो भी देखो भाई M4 वगैरह कुछ ज़्यादा ही तगड़ी तगड़ी चीज़ें चल रही है पहाड़ी के ऊपर, तो यहाँ पर मैंने सोचा भाई चलो अपन यहाँ पर इसमें शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा फ्लैंक कर दिया भाई राइट से, और तब भी देखो भाई साहब यहाँ पर बंदे मतलब आपस में लड़ने में इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि भाई मैंने थर्ड पार्टी खरीदी और इनको पता भी नहीं चला। अब फिलहाल देखो यहाँ पर मैं घुसता हूँ थर्ड पार्टी के इरादे से, और बस देखो और क्या पेलता हूँ बंदों को। अब मेरे को पता था भाई ये बंदे आपस में भिड़ रहे हैं, तो चुपचाप से पीछे से निकलता हूँ, और तभी देखो एक बंदा मेरे को यहाँ पर स्पॉट होता है, और तभी देखो उस बंदे को SLR से किसी बंदे ने पेल दिया। अब जैसे ये चीज़ मैंने देखी, सीधा घुस गया मैं ऊपर, और भाई यहाँ पर देखो ढेर सारे बंदे मतलब ऊपर में फाइट हो रही है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, अब जैसे आगे गया भाई ये बंदा देखो मेरे को यहाँ पर दिखाई देता है,
अब जैसे ये दिखा मेरे को, सबसे पहले मैं प्रोन हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं हग देता हूँ। फिलहाल देखो उसको मैंने डैमेज करके पीछे भगा दिया, लेकिन भाई इस बार नहीं छोड़ने वाला। अब जैसे इसको नॉक करा, अब मैं इसके ऊपर पुश करने वाला था, तो देखो मेरे को पीछे पुछते पाए। अब मेरे को लगता है भाई जो रोजॉक वाला बंदा है वो शायद से आ गया होगा, लेकिन भाई यहाँ पर ये हरामी होता है। अब इसको मैंने पेल दिया, अब मैं घुसता हूँ सीधा इस वाले बंदे के ऊपर। और भाई साहब यहाँ पर देखो मैं डो खेल रहा हूँ, लेकिन भाई डो के अंदर मेरे को तीन तीन बंदे देखने को मिले गए, तो वो कैसे, तो बस अपनी आंखों से देख लो। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे यहाँ पर भाई मेरे को टावर के अंदर एक बंदा दिखाई देता है। अब मेरे को लगा इसका कोई टीममेट होगा, लेकिन भाई अब जैसे इन दोनों को मारा, टावर के अंदर मेरे को एक बंदे की गन दिखती है ग्लिच से, तो मैं सीधा ऊपर घुस गया भाई। आप पता नहीं भाई ये हरामी कैंपर यहाँ पर कितनी देर से बैठा हुआ था, मेरे को नहीं पता। और हाँ गाइज, आपको ये वाली चीज़ पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, अगर नहीं आती तो भाई एक और चीज़ देख लो। अब यहाँ पर मैं उनकी पेटियाँ वगैरह लूट रहा होता तो मेरे को फुसते पाते। और भाई ये बंदा आ जाता है थर्ड पार्टी करने के इरादे से, और इसको मैंने पेल दिया। और गाइज यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ जोन में एक ही बंदा बचा है, तो ये थोड़ा सा सस्ता सा गेम प्ले होने वाला है। और लेकिन भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि इसके आगे आपको बहुत ज़्यादा तगड़े तगड़े गेम प्ले देखने को मिलेंगे। फिलहाल देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हील वगैरह करा, और भाई साहब यहाँ पर देखो ये बंदा जोन के अंदर था और जोन कुछ ज़्यादा ही दूर था, तो फिर उन्हें सबकी पेटी लूटी। जैसे पेटियाँ लूटी मैं घुस गया यहाँ पर जोन में, लेकिन भाई जोन एकदम मेरे करीब आ चुका था। अब भाई जो देखो मैंने गाड़ी लास्ट टाइम यहाँ पर छोड़ी थी, यही गाड़ी आगे जाके मेरे काम आने वाली है। फिलहाल देखो मैं निकलता हूँ गाड़ी की तरफ। अब मेरे को डर था भाई जो बंदा है वो यहाँ पर कहीं छुपा ना हो, सांप बन के भाई ढस ना दे। यहाँ पर मैं बचते बचाते निकलता हूँ गाड़ी वाली बाजू, और भाई यहाँ पर देखो इस गाड़ी ने मेरा, मतलब भाई स्टार्टिंग में मैंने एक गाड़ी को उठाया था, ये गाड़ी आखिरी जोन तक मेरे साथ दे देती है। फिलहाल देखो सामने गाड़ी थी, यहाँ से मैंने गाड़ी उठाई और सीधा घुस गया जोन के अंदर। अब यहाँ से मैं जोन के अंदर आता हूँ, क्योंकि भाई जोन में देखना जो घर है वो यही था, और भाई हाइट एडवांटेज भी इसी घर में था। फिलहाल देखो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, और सामने एक ड्रॉप गिरा था। अब मेरे को सामने एक बग्गी भी दिखाई देती है। अब मेरा भाई शक आता है कि जो आखिरी बंदा वो शायद से यहीं पर छुपा होगा, और वैसा होता भी है। अब इस बंदे को ढूंढने के लिए मैं ऊपर आता हूँ, ये बंदा मेरे को यहाँ पर भी नहीं मिलता। तो अपन उस बंदे को भाई बहुत ज़्यादा ढूंढता हूँ यहाँ वहाँ, लेकिन भाई एट देन जैसे मैं ऊपर निकलता हूँ, बस ये बंदा देखो भाई कितना डेंजरस सांप था। अब जैसे मैं ऊपर पहुँचता हूँ देखो सामने बंदा दिखाई देता है। अब इसके साथ मैंने मजाक करने के लिए फायर कर दिया, लेकिन भाई ये बंदा से उठ के भाग जाता है। अब जैसे ये बंदा भागा, अब मेरे को पता था भाई ये बंदा कतई पीक नहीं करने वाला, तो मैं सीधा घुस जाता हूँ जोन के अंदर, और बस जोन स्टार्ट होने का यहाँ पर वेट करने लग जाता हूँ। अब जैसे जोन स्टार्ट हुआ भाई ये बंदा देखो बाहर आ जाता है अपने बिल से। अब जैसे ये बंदा बाहर आया गाइस, यहाँ पर मिल जाता है एक और डेंजर सिकंडर। तो यार यही था गेम प्ले वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है वीडियो पर लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। हाँ मेरे को पता है भाई थोड़ा सस्ता था, अगर आपको पसंद भी नहीं आता तो यार मोटिवेशन के लिए लाइक कर देना। और हाँ भाई साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि भाई इसके आगे शायद से आपको हो सकता है BGMI के गेम प्ले देखने को मिल जाएंगे। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, बाकी तो कुछ नहीं है। और हाँ भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो पर लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं मिलता हूँ अगले किसी गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।